का हमारा टॉपिक है संधारित्र का समूह। ठीक है, संधारित्र पढ़ लिया था हमने, संधारित्र की धारिता पढ़ ली थी। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र उसका होता है जहाँ पे हमें चार्ज को स्टोर करना होता है। अब मान लो कहीं पे हमको एक जो संधारित्र है, संधारित्र का सिंबल मैंने बताया था आपको, संधारित्र का सिंबल क्या होता है, ये होता है दो प्लेटें होती है, दोनों प्लेट की क्या है कनेक्शन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ये जो संधारित्र है, मान लो मैं कहीं पे एक से ज्यादा संधारित्र यूज कर रहा हूं, तो संधारित्र को जोड़ना है, इसके आगे संधारित्र को कहां जोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, संधारित्र का समूह यानी कि इसकी क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन यानी कि संधारित्र को हम किसी भी परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितने प्रकार होते हैं, इसके दो साइड से हैं, दो टाइप से हम इसको जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम समूह, या तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, यानी संधारित्र को अगर हमें कहीं पे ज्यादा एक से ज्यादा संधारित्र जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम मतलब कि सीरीज में जोड़ेंगे और समांतर यानी कि इसको कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कैसे जोड़ना। इसके क्वेश्चन तो पीडीएफ में मिल जाएंगे, मैं बोल देता हूं कि मान लो कैसे तीन संधारित्र ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं हम, तीन संधारित्र, एक संधारित्र देखो संधारित्र है तो उसकी धारिता होगा इस दर्शन में सी से, तो यहाँ पे एक से ज्यादा है तो पहले वाले संधारित्र की धारिता को नाम क्या दे देते हैं, सी वन, दूसरे संधारित्र की धारिता को नाम देते हैं सी टू, और तीसरे संधारित्र की धारिता को नाम क्या दे देते हैं सी थ्री, यानी सी वन सी टू और सी थ्री। अब तीनों पर पहला वो था कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सीरीज वाला, यानी श्रेणी क्रम समूह, श्रेणी क्रम समूह। ठीक है, तीन संधारित्र है मेरे पास, और तीनों को हम किसमें जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का क्या होता है, श्रेणी क्रम का एक तरीका होता है, यानी मान लो ये हमारा कौन सा संधारित्र है, पहला, पहले संधारित्र। ठीक है, अब पहले संधारित्र के अंदर कितनी प्लेट होती है, संधारित्र में दो प्लेट, पहली और दूसरी, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और अंतिम प्लेट का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कृत कर देते हैं, यानी ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तीन संधारित्र हो गए, जिस पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, और पहले संधारित्र का जो विभवांतर है, यानी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, इस संधारित्र का विभवांतर V2, इस संधारित्र का विभवांतर क्या हो गया V3, और अगर हम तीनों के बीच का निकालें, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच का, एक बिंदु आपका ये रहा और एक बिंदु ये रहा, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। ठीक है, ये तो किया टॉपिक ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच का कुल विभवांतर क्या है, यानी कि ये जो बी विभवांतर है इस तीनों संधारित्र का क्या है, विभवांतरों का सम है, यानी v1 v2 v3 प्लस क्या होगा v, कुल विभवांतर क्या है v है। इतना आगे समझ ले, तीन संधारित्र क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास, माना तीन संधारित्र यानी श्रेणी क्रम समूह में धारिता के लिए कुल धारिता के लिए व्यंजक निकालो, या हमारा तीन संधारित्र C1 C2 तुल्य परिपथ या तुल्य धारिता की गणना की। ठीक है, क्या मान लिया हमने, माना तीन संधारित्र है जिनकी धारिता है क्रमशः C1 C2 C3 है, और उनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक है, तीनों संधारित्र C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसके लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथक्करण कर दिया गया है, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्या देते हैं प्लस के वैल्यू, इसको प्लस देते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है प्लस आवेश, दूसरी प्लेट पे क्या आता है ऋण आवेश, फिर दूसरे संधारित्र की प्लेट, तीसरा भाग क्या होता है हर संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश, और अंतिम प्लेट पे क्या होता है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चित्र से हमारे पास क्या है, यानी कि जो कुल विभवांतर है वो इन तीनों विभवांतर की योग क्या होगा बराबर होगा, यानी V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3,
समीकरण एक चित्र बनाना है, डेटा लिखना है और इस स्टेप को लिखना है। बी बराबर बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी इक्वेशन है, इसी से पूरा क्वेश्चन होगा, है ना। अब धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या है हमारा, सी बराबर क्यू अपॉन बी। अब अगर हम इस स्टेप के हिसाब से इसको जमाए, यानी हमको अगर बी का मान निकालना, तो बी पहली बार क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, बटे के ऊपर या और एक तरफ अकेला। अगर बी का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बी को यहाँ ले आएंगे और सी को अपॉन में, तो बी बराबर क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्यू अपॉन में सी। अब इस फॉर्मूले की तुलना अगर इससे की जाए पहले संदर्भ से, तो यहाँ पे बी की जगह क्या है, बी वन है, मतलब विभवांतर बी की जगह हो जाएगा बी वन, धारिता इसकी सी वन है तो यहाँ हो जाएगा सी वन, और आवेश तो इसके लिए भी क्यू ही रहेगा, इसके लिए भी क्यू और इसके लिए भी क्यू, ठीक है। अतः अगर पहले संदर्भ के लिए फॉर्मूला जमा है तो क्या बनेगा, बी वन इजिकल टू क्यू अपॉन में सी वन। आगे समझ में, बी की जगह क्या रखते हैं, बी वन, और सी की जगह रखते हैं सी वन। अब अगर सेकंड के लिए यानी कि दूसरे संदर्भ के लिए इसको जमा है तो क्या बनेगा, बी टू इजिकल टू क्यू अपॉन में सी टू, और थर्ड वाले के लिए जमाओगे तो बी थ्री बराबर क्यू अपॉन में क्या आएगा, सी थ्री, ठीक है। यानी कि बी वन बी टू और बी थ्री तीनों के मान आ गए, तीनों का रखते हैं समीकरण एक में, बाय वन बी बराबर बी वन की जगह वैल्यू रखोगे, बी वन की जगह क्या जाएगा, क्यू अपॉन में सी वन, क्यू अपॉन में सी वन प्लस क्यू अपॉन में बी टू की वैल्यू, क्यू अपॉन में सी टू प्लस बी थ्री की वैल्यू रखोगे तो क्यू अपॉन में क्या आ गया, सी थ्री। बी वन बी टू बी थ्री तीनों में मान रखते हैं, तीनों में कॉमन चीज क्या निकल रही है, ऊपर से क्यू कॉमन आ जाएगा, अपॉन में क्या चलेंगे सब में, सी वन सी टू प्लस सी थ्री, इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी, टू, ठीक है। ये किसके लिए आया है, अलग अलग विभवांतर के लिए, कुल विभवांतर आ गया। अब जब हम तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों देखो एक जगह तीन या तीन से ज्यादा चीजें जोड़ते हैं, तीनों मिल गया क्या बनाती, एक ही चीज बनाई, ठीक है। तो एक संधारित्र था हमारा, अब हमने कितने जोड़ लिए, तीन संधारित्र, तीनों जोड़ेंगे तो तीनों के मान का एक नया संधारित्र बनेगा। मान लो जैसे ये दो का है, दो का है, दो का है, तो दो चार और छह, यानी जो नया संधारित्र बना वो कितने धारिता का है, कितने फेरेड का बनेगा हमारा, छह फेरेड का। तो जो नया संधारित्र उसकी धारिता को क्या मान ले, सी, और उसका कुल विभवांतर क्या होगा, डी, और आवेश क्या होगा, क्यू, ठीक है। तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि यदि तुल्य धारिता क्या हो, तुल्य धारिता सी हो, तो उस तुल्य धारिता का विभवांतर होगा बी, आवेश होगा क्यू, और टोटल धारिता क्या होगी हमारी, सी, यानी बी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में सी, इक्वेशन नंबर क्या होगा, थर्ड। अब दो और तीन को देखो, दो और तीन की तुलना हो जाएगी, एलएचएस दोनों के बराबर है, आरएचएस को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी समीकरण दो व तीन की तुलना, दो तीन की तुलना करोगे तो Q अपॉन में C, इसका RHS के बराबर ये RHS बैठ जाएगा, Q अपॉन में वाला अपॉन में C1 C2 और C3, ये Q से Q कैंसिल, इधर क्या बचा, वाला अपॉन में C, और इधर बचेगा वाला अपॉन में C1, वाला अपॉन में C2, वाला अपॉन में C3, ये सीरीज में क्या आ गया हमारा, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो सीरीज का फॉर्मूला आया और एक का क्या आएगा, पैरेलल का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, ये देख लो, तीन संधारित्र जुड़े थे हमारे, सी वन सी टू सी थ्री, तुल्य विभवांतर क्या है, बी, और तीनों का अलग अलग विभवांतर है, बी वन बी टू बी थ्री। तो इस स्टेप से हमने क्या लिखा, डायग्राम से बी इसके बराबर है, इन तीनों विभवांतर के बराबर है, धारिता का सूत्र लिया, इसके अकॉर्डिंग इसको जमाया, सी बराबर के ऊपर में बी वन का मान, यानी बी का मान निकाला था, तो बी को ऊपर लिया और सी को कहा ले गए अपॉन में, बी बराबर के ऊपर में सी। इस प्रकार तीनों संधारित्र के लिए क्या करा, फॉर्मूले को हमने अरेंज करा, तो बी की जगह क्या हो गया हमारा, बी वन हो गया क्यू, और सी की जगह लिखा सी वन, तो तीनों फॉर्मूले क्या बने, बी वन इजिकल टू क्यू ऊपर में सी वन, बी टू इजिकल टू क्यू ऊपर में सी टू, और बी थ्री इजिकल टू क्यू ऊपर में सी थ्री। बी वन बी टू बी थ्री के मान का रखें, इसमें रखें ऊपर से कॉमन क्या निकाला क्यू, तो बी बराबर क्यू वन अपॉन सी वन सी टू और सी थ्री। तुल्य धारिता यानी तीनों संधारित्र मिलाएंगे तो जो नया संधारित्र बनेगा उसकी धारिता होगी सी, आवेश क्यू, और
स्केटबोर्डिंग इज पॉपुलर जमा है बराबर के ऊपर में सी दोनों की तुलना कर रही है फॉर्म। अब क्या निकालेंगे समांतर समूह देखो ये याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा थोड़ा बहुत काम का चेंज होगा मैं बताता हूँ ठीक है। समांतर समूह समांतर में क्या करना है तीनों को एक ही पॉइंट से जोड़ना ये पहला समझा है दूसरा समझा है तीसरा समझा है समांतर समूहन देखो मान तीन संधारित्र थे C1 C2 C3 मारा तीन संधारित्र थे जिनको किस में जोड़ना है श्रेणी क्रम संबंध में तो यानी कि तीनों को अगर हम सॉरी समांतर क्रम संबंध में अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्यधारिता के लिए क्या निकालना है फार्मूला। देखो तीन संधारित्र थे जिनको पैरेलल जोड़ रहे हैं पैरेलल मतलब कि समांतर समांतर का मतलब होता है कि पहला दूसरा तीसरा और इसके आगे और भी जोड़ सकते हैं तो जितने भी संधारित्र थे सबकी पहली प्लेट देखो ये पहला संधारित्र की पहली प्लेट तीनों का संबंध किसी एक पॉइंट से और अंतिम प्लेट का संबंध किसी एक पॉइंट से करते हैं ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देता हूं मैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी और ये क्या हो गया इसका कुल विभवांतर। अब देखो जो तीनों संधारित्र हैं वो दो पॉइंट पे ही जुड़े हैं तो एक ही तीनों का यानी कि इस संधारित्र का विभवांतर भी यही है इस संधारित्र का विभवांतर भी यही है और इस संधारित्र का विभवांतर भी यही है ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या जब हम यहाँ पे प्लस पे आवेश देते हैं तो वो आवेश यहाँ आके बढ़ जाएगा यानी यहाँ पे जाने वाला आवेश Q1 इसमें जाने वाला आवेश Q2 और इसमें जाने वाला आवेश क्या है हमारा Q3 ठीक है। तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पे प्लस आवेश दूसरी प्लेट में क्या जाएगा ऋण आवेश ठीक है। इसमें जाने वाला आवेश Q1 Q2 Q3 धारिता C1, C2, C3 और तीनों के विभवांतर एक ही है यानी क्या है कुल विभवांतर भी। तो अब ये वाली जो मैंने इसे देखो हमारी पिछले वाले डेरिवेशन ठीक है इसका बेटर सुन लो बारह तीन संख्याएं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है और उनको समांतर क्रम समूह में जोड़ा गया है प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु A से और अंतिम प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है। इस प्रकार कुल विभवांतर क्या होता है तीनों का B होता है बिंदु ए पर प्लस के आवेश देने पर तीनों संधारित्र C1, C2, C3 में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है Q1, Q2 और Q3। इस प्रकार कुल आवेश तो कुल आवेश देखो यहाँ पे पिछले वाले में हमारा V1, V2, V3 अलग था यहाँ पे तीनों संधारित्र का विभवांतर एक ही है आवेश क्या है अलग अलग तो ये वाले स्टेप में क्यू की जगह बी की जगह क्या जाएगा हमारा क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 प्लस Q3 और धारिता के सूत्र से अब इस फॉर्मूले को क्यू के अकॉर्डिंग लगाना है तो क्यू हमें अकेला चाहिए तो बी का मल्टीप्लाई कर देंगे सामने तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालना तो बी का मल्टीप्लाई सामने तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी बी। अब ये वाला फॉर्मूला हम किसके लिए जमाएंगे पहले वाले संधारित्र के लिए तो पहले वाले के लिए जमाओगे तो क्यू की जगह यहाँ पे क्या है क्यू वन तो
कितना हो जाएगा, c की जगह c1 और t इसका विभाजक क्या है, b है, ठीक है। तो ये कैसे जमेगा, तीनों को जमाएंगे यहां पे, तो ये जमेगा q1 = c1 b, दूसरे के लिए जमेगा q2 = c2 b और तीसरे के लिए जमेगा तो q3 = c3 b है ना। अभी q1 q2 q3 तीनों के मान का रखोगे समय का टाइम में यानी बाय वन, तो क्या हो जाएगा यहां पे q = q1 की जगह आएगा c1 b प्लस q2 की जगह क्या जाएगा c2 b और c3 b, c2 b प्लस c3 b, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, b को कॉमन ले लो तो अंदर आएगा c1 c2 और c3। क्वेश्चन नंबर दो, अब तुल्य धारिता c से तुल्य धारिता c होगी, तो इस फॉर्मूले को जमाओगे तो b q बराबर क्या मिलेगा, c q बराबर c, समीकरण नंबर 10। यानी कि तीनों संधारित्र को जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता होगी c, आवेश क्या देगा q और विभवांतर क्या हमारा टोटल v। अब दो और तीन को देखो, LHS समान है, RHS को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, RHS इक्वल करोगे तो CV इक्वल टू क्या होगा, B अंदर आएगा C1 C2 C3, B से B कैंसिल, C1 C2 C3, ये हमारा काय का सूत्र आ गया समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला। एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा। अब इसका मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे आए, क्वेश्चन है हमारा यदि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः दो फेरेड तीन फेरेड और चार फेरेड है तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए क्या निकालना, तुल्य धारिता, दोनों के फॉर्मूला हमारे सामने सीरीज का होगा पैरेलल का, पहले श्रेणी देख लेते हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी वन सी टू और सी थ्री है ना। फॉर्मूला हमने तीन के लिए निकालना है, अगर दो एग्जाम में दो ही देखा है हमको यानी दो पैरेड और तीन पैरेड यानी दो की बात करें तो इसको दो तक ही लिखना, चार दे दे तो चार तक लिख सकते हो, ठीक है। वन अपॉन सी इक्वल टू सी वन यानी पहला मान क्या है, दो पैरेड तीन पैरेड चार पैरेड, तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेंगे नीचे तीन छो बारह, दो से डिवाइड करोगे दो छम बारह, ऊपर क्या आ जाएगा छह का मल्टीप्लाई करें छह कम छह प्लस तीन छो बारह, चार का एक में मल्टीप्लाई चार प्लस चार किया बारह, तीन का एक में मल्टीप्लाई तीन, छह और चार दस और तेरह, क्या आ गया आंसर ऊपर तेरह बटे बारह, बारह अपॉन सी, यही करके मैं छोड़ देता, ये सी अपॉन में इसको पलटेंगे ये भी पलटेगा, ठीक है। तो सी बराबर क्या होगा बारह बटे तेरह, तो पीछे आंसर क्या आएगा फेरेड, ठीक है। सेकंड समांतर क्रम, समांतर का फॉर्मूला है वन अपॉन सी इक्वल वन, सॉरी समांतर का तो सीरीज में सी सी वन सी टू सी थ्री, सी बराबर सी वन का मान है दो तीन चार, सी बराबर तीन चार सात दो नौ फेरेड, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब बुक है आपके पास, बुक के अंदर आपको और भी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, दो चार सॉल्व कर लोगे तो दिमाग में